आज हम लोग सबसे पहले बेटा मोशन क्या है उसका मैं एकदम बेसिक आपको बता दे रहा हूँ, फिर थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल के बारे में देखते हैं एंड देन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए मोशन का मतलब ये होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजिशन चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहा जाता है। मोशन दो तरीके का होता है, पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल सा मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, दैट मींस कोई ऑब्जेक्ट पहले 1 मीटर में, 1 सेकंड में 2 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर चला, तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट होता है जो कि इक्वल टाइम में 1 1 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस 2 2 मीटर लगातार चल रहा है तो इसकी स्पीड जो हो गई बेटा वो 2 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल सा मतलब है ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग पहले मोशन स्ट्रेट लाइन की अगर बात कर रहे हैं तो स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, और ऐसे में मैंने आपको सिखाया था एक्सेलरेशन 0 के बराबर होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा तो उसमें चेंज कितना होगा? हो ही गई नहीं। भाई अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसमें चेंज कितना होगा? भाई नहीं होगा चेंज। इसका मतलब डेल्टा वी कितना है? 0। डेल्टा वी 0 है इसलिए एक्सेलरेशन भी कितना है? 0। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो एक्सेलरेशन विल बी 0, और अगर एक्सेलरेशन 0 है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, तो मैंने आपको बताया है केवल एक फॉर्मूला है, दैट इज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। वो फॉर्मूला किस मोशन के लिए वैलिड होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन कैसे पहचानोगे? स्पीड विल बी कॉन्स्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है किसी भी डायरेक्शन में, स्पीड कांस्टेंट है तो उस डायरेक्शन का मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। क्लियर? सेकंड वैरायटी ऑफ मोशन या सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो गया अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, पहले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 2 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में वो कुछ 3 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर चला। इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो बोलो हर 1 सेकंड में, टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है दैट इज अनइक्वल। तो अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है बेटा यहां पर है 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर है 3 मीटर पर सेकेंड और यहां पर है 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड लगातार बढ़ रही है या हो सकता है लगातार घट रही हो। मतलब अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो दो ही केस है, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। तो अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे में ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट के पास इस बार कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा बेटा। भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अगर 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 3 मीटर पर सेकेंड हो गई तो चेंज कितना हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, बोलो चेंज कितना हुआ? 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पर कुछ ना कुछ तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, और अगर वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज होगा, टाइम से आप डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा। क्लियर है? दैट मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देयर विल बी सम एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते हैं। 9th क्लास में ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा,
कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। जैसे अगर कहा जाए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका सिंपल मतलब है ऑब्जेक्ट की स्पीड एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने का मतलब एक सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ेगी, 10 मीटर पर सेकंड। अगर टी बराबर 0 पर स्पीड उसकी 0 है तो टी बराबर 1 पर यानी एक सेकंड के बाद स्पीड कितनी होगी, दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड। फिर से एक सेकंड के बाद स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। फिर से एक सेकंड के बाद स्पीड कितनी होगी, क्या ये बात समझ में आई? मतलब हर एक सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बेटा? अगर यही एक्सेलरेशन मैं लिख दूं ऑब्जेक्ट का -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम हो रही है। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन और उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। तो निगेटिव एक्सेलरेशन को ही बेटा रिटार्डेशन कहा जाता है। ठीक, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 0 पर अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, तो टी बराबर 1 पर स्पीड कितनी होगी, 90 मीटर पर सेकेंड। टी इज इक्वल टू 2 पर स्पीड कितनी होगी, 80 मीटर पर सेकेंड। टी इज इक्वल टू 3 पर कितनी होगी, 70 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर एक सेकेंड में स्पीड बेटा घट रही है, कितनी घट रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। इज दिस क्लियर? इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो यूनिफॉर्म मोशन, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी दो टाइप बता दिए मैंने। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी घटेगी। ऑब्जेक्ट को अगर यहां से गिराया जाए तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, अभी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और अगर इसको छोड़ दे किधर जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। जितनी ऊपर से फेंकेंगे, बोलो नीचे गिर के उसके उतने ही टुकड़े होंगे, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। हम लोग अगर किसी 4 फ्लोर की बिल्डिंग से ऊपर से कूदे भाई साहब, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां होगी, जब नीचे फैले होंगे सबसे ज्यादा स्पीड होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइट से आप वहां से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है। क्लियर है? ठीक, तो ये मतलब होता है अगर ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से नीचे फेंका तो उस समय एक्सेलरेशन कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो स्पीड बेटा बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब यहां से फेंकते टॉप मोस्ट पॉइंट पर फॉर अ मोमेंट स्पीड कितनी होती है, 0, टॉप मोस्ट पॉइंट हमेशा। ठीक, इसका मतलब वहां पर स्पीड लगातार घट रही है। नीचे से कुछ स्पीड होगी बोलो तभी ऊपर जा रहा है, बिना स्पीड के ये ऊपर नहीं जा सकता। तो इसको कुछ स्पीड देंगे तो ऊपर जाएगा और लगातार घट रही, घट रही, घट रही, घट रही, घट रही, मान लो यहां तक गया तो यहां स्पीड 0 है, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आएगा, और जब नीचे आ रहा होगा तो फिर से स्पीड बढ़ रही है। क्लियर है? ठीक, तो ये तो था मोशन के बारे में। इसके बाद मैंने आप लोगों को सिखाया था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल सा मतलब यह होता है अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को यहां से एक वी स्पीड दे दें किसी थीटा एंगल पर, वी स्पीड दे दें किसी थीटा एंगल पर, तो ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ ऐसा होता है। यहां से फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे आकर कहीं गिरेगा। ठीक, तो ये टाइप का जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट करें तो क्या आएगा, v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करें तो क्या आएगा, v sin थीटा।
क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्स डायरेक्शन का मोशन कैसा हुआ? ना 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 ना, सुन के ना बोलो, समझ के बोलो। अगर एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन के मतलब मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। मोशन इज यूनिफॉर्म। बेटा अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं है, इसलिए मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो केवल एक फॉर्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यूनिफॉर्म मोशन का एक मतलब और होता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड जो कि कितनी दी, वी कॉस थीटा मैंने लिखा था, दैट हॉरिजॉन्टल स्पीड वी कॉस थीटा या यू कॉस थीटा, दैट हॉरिजॉन्टल स्पीड विल बी कॉन्स्टेंट। पूरे मोशन के दौरान बोलो हॉरिजॉन्टल स्पीड मैंने आपको बताया था कैसा होगा? कॉन्स्टेंट। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट अर्थ को छोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, बोलो तुरंत उसको अर्थ अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, तो अर्थ इसके ऊपर वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगाएगा और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? माइनस जी के बराबर, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जरा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के बारे में सोचो। वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी तो वी साइन थीटा थी या यू साइन थीटा मैंने उस समय लिखवाया था आपको, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहां पर पहुंचेगा तो इस जगह पर ऑब्जेक्ट के पास जो भी स्पीड है वो केवल हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल स्पीड यहां पर कितनी है? जीरो। टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमेशा वर्टिकल स्पीड कितनी होती है? जीरो। तो यहां की वर्टिकल स्पीड जीरो हो गई। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर जब वो था तो वर्टिकल स्पीड थी, जैसे जैसे यहां ऊपर पहुंचा वर्टिकल स्पीड जीरो हो गई, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन में है। क्लियर है? लेकिन जब वो ऊपर से फिर नीचे आ रहा होगा तो उस समय वो फिर से एक्सेलरेशन में हो। तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था। तो फिलहाल वाई डायरेक्शन का मोशन जो है वो कैसा मोशन है? दैट इज एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो भाई कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म और वाई डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म। तो आप जितना जो कुछ भी अभी तक पढ़े होते हो वो सारी चीजों को कंबाइन कर, भाई दो ही टाइप के मोशन पढ़े होते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, दोनों को जब कंबाइन कर दो तो कौन सा मोशन बनता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन इन एक्स डायरेक्शन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन। क्लियर? बाकी मैंने इन लोग को बेटा टाइम पीरियड निकलवाया था, अगर ऑब्जेक्ट को यहां से फेंके यहां तक पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम का फॉर्मूला मैंने इन लोग को निकलवाया था 2u sin थीटा बाई जी। सो टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसका फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी। जो मैक्सिमम हाइट इसने कवर किया, ये इस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ये हाइट का फॉर्मूला है। यू क्या है यहां पर? इनिशियल स्पीड। थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और जी आप लोग जान रहे हैं 9.8 या 10 जो भी लेना हो। इसके बाद आता है रेंज। रेंज का मतलब यहां से हमने फेंका तो मैक्सिमम जितनी दूरी पर गिरा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं रेंज। रेंज मतलब यहां से फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा। ठीक। सो दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड रेंज। और रेंज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। रेंज के बारे में दो चीजें आपको मैंने और बताई थी। मैक्सिमम रेंज होता है बोलो 45 एंगल पर। रेंज मैक्सिमम कब होता है? 45 डिग्री पर। और थीटा एंगल के लिए रेंज और 90 माइनस थीटा एंगल के लिए रेंज बोलो सेम होता है। 30 डिग्री पर फेंकें या ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री पर फेंकें, गिरेगा वहीं अगर उसकी इनिशियल स्पीड सेम है तो। ये सब चीजें भाई पढ़ाया था आप लोग को, क्लियर है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में इस दौरान यहां से यहां तक फेंका यहां तक पहुंचा,
इस दौरान अगर इसका पाथ ऑब्जर्व करें तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। और उस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर x और y क्या है? पार्टिकल का x और y कोऑर्डिनेट है। जब पार्टिकल यहां पर था बेटा ओरिजिन पर, तो बोलो x भी जीरो y भी जीरो। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जीरो कॉमा जीरो। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा, बोलो x और y बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। x तो अभी भी लगातार बढ़ता रहेगा, लेकिन यहां के बाद y घटना शुरू हो जाए। तो फिलहाल कोऑर्डिनेट समझते हैं, 1.2 पॉइंट, 3.4 पॉइंट, समझते हैं कि नहीं? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो अगर वो x और y कोऑर्डिनेट्स की बात कभी भी किया जाएगा तो वी कैन सिंपली यूज दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को यूज करके कई बार क्वेश्चंस हमारे बेहद आसान हो जाते हैं। ठीक, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी x डायरेक्शन में देखें तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी बोलो हमेशा कितनी होती है? u cos थीटा। x डायरेक्शन का मोशन कैसा था? यूनिफॉर्म। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब u cos थीटा। भाई इनिशियली कितनी थी? हॉरिजॉन्टल, u cos थीटा याद करो। तो वो लगातार पूरे मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है? u cos। बट वर्टिकल वेलोसिटी बेटा चेंज होती है, और वो वर्टिकल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था भाई? माइनस, क्या ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वाई डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड कितनी थी? इनिशियल स्पीड कितनी थी? u साइन थीटा। हम लोगों ने u माना था उस समय, तो u साइन थीटा ये इनिशियल स्पीड थी। एक्सेलरेशन माइनस जी था, सो बस u साइन थीटा माइनस जी। तो किसी भी मोमेंट पर अगर आपसे कहा जाए कि भाई फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो ये भी मैंने निकलवाया था आप लोगों को, और वो फाइनल वेलोसिटी थी अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो बस u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करके मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव करवा दिया था। क्या इतनी बात कुछ समझ में आई? तुम लोग को तो आना ही चाहिए, आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं, आपको भी 30-40% तक आ जाना चाहिए। 40% 50% तक तो आया होगा, कुछ कुछ तो आया होगा, ठीक है ना? देखो बेटा, बताया इसीलिए था ताकि 100% बाउंस ना हो, बाकी कुछ तो बाउंस हो ही जाएगा, उसकी टेंशन ना लेना। जब आप नया टॉपिक पढ़ोगे शुरू से तब तो पूरा समझना है। फिलहाल अब क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 490 मीटर हाई। यानी कि एक हिल है, इसके टॉप से यहां से हम लोगों ने किसी एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। देखो लिखा है, इट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, और वो जो हिल है उसकी हाइट कितनी है? 490 मीटर। कह रहे फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। अगर हम लोग ध्यान से यहां पर समझ रहे हैं तो देखो जरा, ये तो पहली बात ग्राउंड है, जब आप यहां से फेंकोगे तो क्या वो ऐसे गिरेगा आके? बोलो यार, इस तरीके से गिरेगा यहां पर। तो आपको टाइम निकालना है जब वो यहां से यहां पहुंचेगा, सबसे पहला क्वेश्चन। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर टाइम निकालना है बेटा तो कैसे निकलेगा टाइम? कैसे निकलेगा? e बराबर 2u साइन थीटा बाई जी तब लगता है जब नीचे से फेंका जाए और नीचे ही पहुंचे। बोलो यार, तो यहां तो ऊपर से फेंका जा रहा है, पहले ही क्वेश्चन में डक गए भाई साहब। बेटा हाफ करके काम चल सकता है,
लेकिन फिजिक्स में कई बार जो चीजें लगती हैं वो होती नहीं है, और जो होती है वो तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। बात समझ में आई? इसलिए फिजिक्स में हमें कभी भी अंदाजा नहीं मारना चाहिए। फिजिक्स जब मैथमेटिक्स पूरा सपोर्ट करे आपका, मतलब आपके पास जब मैथमेटिकल इक्वेशन हो कि हाँ सर ऐसे ऐसे लिखा है, ये लिखा है और फिर ये आया है, तभी समझना कि आप सही जा रहे हो। तो ऐसे आधा मत करिएगा कि 2u sin θ / g निकाला उसका आधा कर दिया, ठीक है वो काम मत करिएगा। फिलहाल यहां पर कॉन्सेप्ट को पकड़ो जरा, क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को यहां से फेंके और फाइनली नीचे पहुंचे तो बेटा वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वाई डायरेक्शन में यहां पर था पहले, वाई डायरेक्शन में फाइनली कहां पहुंचा वो? 490 मीटर नीचे। क्या ये बात सही है? वाई डायरेक्शन का मोशन कैसा था? नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं? वो भी कौन सी इक्वेशन लगा दें? एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना हुआ? कितना हुआ? -490। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि तो ये नीचे गया। यू कितना है बेटा? यू मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन ये इक्वेशन किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? वाई, वाई डायरेक्शन में। तो क्या इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कुछ थी? ऑब्जेक्ट को कैसे फेंका गया, ऐसे या ऐसे? हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल फेंका गया है तो क्या केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है? वर्टिकल वेलोसिटी। अगर हमने इसको ऐसे फेंका होता तो इसकी वेलोसिटी के बोलो दो कंपोनेंट होते, यू कॉस थीटा और यू, लेकिन हमने फेंका ही नहीं, हमने तो ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है। अगर हॉरिजॉन्टली फेंका है तो बोलो इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ कैसी थी? हॉरिजॉन्टल। क्या ये बात समझ में आई? तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है? जीरो। एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 ले लो चलो, इनटू टी स्क्वायर। यही टाइम ही तो निकालना है, कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। तो नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो चेक करो, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ठीक। सो 490 इज इक्वल टू 4.9 इनटू टी स्क्वायर। तो बोलो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 100 सेकेंड। तो टी कितना आया? 10 सेकेंड। तो कितना समय लगेगा उसको नीचे पहुंचने में? क्या ये बात समझ में आई? कई बार हमारे मन में डाउट आता है कि हमको सर यहां माइनस क्यों लगाया हमने। बोलो यार, किसी को आया ये डाउट कि सर नीचे जा रहा है तो फिर हमने माइनस क्यों लगाया? बोलो बेटा, ये डाउट आया नहीं आया? नॉर्मली नॉर्मली जब हम लोग माइनस लगाते हैं उसका मतलब होता है रिटार्डेशन, ठीक। यहां रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, यहां पर जब हम ऐसे नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, बट यहां पर रिटार्डेशन सोचकर मैंने माइनस नहीं लगाया है। यहां पर माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि यहां माइनस लगा चुके थे। ये -490 क्यों लिखा था हमने? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा था। जब तुम नीचे और ऊपर वाली बात करने लग गए थे पहले से ही, मतलब आप ये मान रहे थे कि नीचे वाला डायरेक्शन निगेटिव होता है और ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, तो ये एक्सेलरेशन भी तो नीचे की ही तरफ है, इसलिए निगेटिव लगाया है। बात समझ में आया? एक्सेलरेशन दो तरीके से डिसाइड करते हैं, या तो सिंपल एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मानो तुम, तो यहां पर फिर हम पॉजिटिव लेते, यहां भी प्लस लेते तो यहां भी प्लस लेते। बात समझ में आई? अगर तुमने यहां पर ये लगाया कि नहीं सर हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे, ये ओरिजिन है और इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट नीचे वाला पॉइंट है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट तो सर -490 होना चाहिए, यही तो सोच के यहां लिखा था, तो अगर यहां -490 हम लिखेंगे तो यहां भी हम माइनस ले लेंगे, क्लियर। और अगर तुम यहां पे 490 लिखते हो तो यहां पर आप हाफ जी टी स्क्वायर ले सकते हैं, आंसर तो सेम ही आना है दोनों केसेस। इज दिस क्लियर? ठीक। और इस चीज के बारे में आपको हिंट लग जाएगा, मान लो आप यहां पे प्लस ले लेते, अगर आप यहां प्लस लेते तो ये टी स्क्वायर -100 आता, और वहीं पे आपको समझ में आता कि यार टी स्क्वायर किसी चीज का स्क्वायर कैसे निगेटिव हो सकता है। इज दिस क्लियर? सो टाइम टेकन विल बी 10 सेकेंड। अब सेकेंड पार्ट देखो, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, यानी कि ये जो टारगेट फाइनली यहां गिरेगा हमको ये बताना है इसकी डिस्टेंस हिल से कितनी है। ये तो
तो क्या इसी को रेंज बोलते हैं? लेकिन रेंज वाला फॉर्मूला यहां पे नहीं लगेगा, ठीक। रेंज वाला फॉर्मूला तब लगता है जब नीचे से फेंको नीचे ही गिरे, तो या तो हम ऊपर से फेंक रहे हैं नीचे गिर रहा है। तो रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड है ना, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स। और आप लोग मुझे एक बात बताइए, हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होता है बेटा प्रोजेक्टाइल में? दाओ बेटा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में बोलो एक ही फॉर्मूला था, कौन सा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस है बेटा आर के बराबर, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? 98 के बराबर, और टाइम कितना है? तो क्या ये 98 मल्टीप्लाइड बाई 10 सेकेंड यानी कि 980 मीटर। तो ये फाइनली कितना दूर जाकर गिरेगा? 980 मीटर। क्या ये बात समझ में आई? थर्ड पार्ट देखो, द वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो एक चीज मुझे बताओ, यहां पर जब ये प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तो बेटा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। ये प्रोजेक्टाइल जब यहां से, मैं मान लो हॉरिजॉन्टली मैंने फेंका, जब ये आके ऐसे नीचे गिरेगा, तो जब नीचे गिर रहा होगा तो इसके पास दो डायरेक्शंस में वेलोसिटी होगी, बोलो। जब ये ऐसे यहां पे गिरेगा तो इधर भी वेलोसिटी होगी, और बोलो इधर भी रही होगी, दोनों रही होगी। एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी होगी? 98। बोलो यार, वैसे यू कॉस थीटा बोल दे, लेकिन जब थीटा ही नहीं है तो कहेगा यू कॉस थीटा। नहीं समझ में आई बात? यहां पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो यू कॉस 0 कितना होगा? यू के बराबर। और यू कितना है? 98 के बराबर। और मैंने आपको पहले ही कहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन में बोलो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी रहती है? कॉन्स्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? 98। तो आखिरी में भी कितनी रहेगी? 98। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 98 मीटर पर सेकेंड रहेगी। अब बात आई वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए मैंने आपको यहां पे देखो फॉर्मूला पढ़ाया था। वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? यू साइन थीटा माइनस जीटी। जरा ये बताइए, वर्टिकल वेलोसिटी अगर मैं निकाल रहा हूं तो यू साइन थीटा माइनस जीटी लगाते हैं, थीटा कितना है? 0। तो यू साइन 0 माइनस जीटी है ना, उसकी भी वैल्यू रखते हैं आइए। जी कितना रखे हैं? 9.8। और टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। तो क्या ये वेलोसिटी हो गई -98 मीटर पर सेकेंड? साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये पूरा टर्म तो 0 हुआ, और 9.8 इंटू 10 मतलब 98। और ये निगेटिव अगर आया, निगेटिव मतलब नहीं नहीं नहीं, इसका कहेगा रिटार्डेशन। ये तो वेलोसिटी है भाई साहब। बोले यार, रिटार्डेशन तो एक्सेलरेशन का होता है, वेलोसिटी का निगेटिव होना मतलब भाई यहां पे निगेटिव तुम पहले कर चुके थे भाई, किस लिए किया था? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की वजह से इसको निगेटिव किया था ना। तो यहां भी जो निगेटिव आ रहा है वो हमको साइन दिखा रहा है, मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है, और डायरेक्शन किधर की तरफ है इसकी, और वो भी कितनी है? क्या ये बात समझ में आई? तो इस पॉइंट पर नेट वेलोसिटी कितनी होगी यहां पर? बोला यार, सर पहले ही क्वेश्चन में धज्जे उड़ाए पड़े हो। बोल, नेट वेलोसिटी कुछ वी होगा, और वो वी जो होगा दैट विल बी अंडर रूट। बताओ यार, रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? अंडर रूट एक्स वाले का स्क्वायर प्लस, यहां पे अभी हमने किया था, वी बराबर एक्स वाले वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाई वाली वेलोसिटी का स्क्वायर, ये तो किया था। तो बेटा यहां भी वही काम करेंगे, दैट वी विल बी 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। भाई एक्स वाली वेलोसिटी भी वही है, वाई वाली भी वही है, क्या ये सिंप्लीफाई होकर 98 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा? क्या ये बात कुछ समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आया? देखो अब फिजिक्स शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसके पहले जो चल रहा था दैट वॉज वार्म अप,
जब आप जिम में जाते हैं तो शुरुआती 4-6 दिन वार्म अप कराता है कि पहले उठक बैठक कर लो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हाथ वाथ ऐसे ऐसे कर लो, चला लो थोड़ा हाथ वाथ, थोड़ा खुले। तो अभी तक आपका वार्म अप कराया जा रहा था फिजिक्स में, कि आप थोड़ा फील तो आ जाए कि ये वेक्टर होता है, ये डिफरेंसिएशन होता है, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मोशन, ये यूनिफॉर्म, ये वो नॉन यूनिफॉर्म। यहां से इवन ये भी वार्म अप ही है, अभी असली आएगा। अभी जब शुरुआत होएगी पूरी लॉज ऑफ मोशन, तो वहां से असली शुरुआत होएगी फिजिक्स की। यहां तो बस शुरुआत कराई जा रही है कि थोड़ा देखो यार कि ये लेवल है, ये कोई बहुत कठिन नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा शायद, किसी को या कुछ लोगों को लग रहा होगा, बट ये बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। दो तरह के मोशंस होते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, दोनों का बेटा एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन है बस। हमने ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, ऐसे जाकर के गिरा, ठीक, वाई डायरेक्शन में नीचे जाकर के गिरा है, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए हमने इक्वेशंस लगाई वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था, कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो एक्स डायरेक्शन में हमने भी सिंपल फॉर्मूला लगाया, स्पीड बराबर डिस्टेंस इन अपॉन टाइम, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। सिंपल ये फॉर्मूला लगा के हमने डिस्टेंस निकाल लिया था, ठीक। फिर देखो वाई डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी हम लोगों ने ये जो निकाली है, ये सिंपल वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला है, v बराबर u प्लस at। बोलो यार, वही सिंपल इक्वेशन लगाकर हमने इसको निकाला और वैल्यू आया 98 अंडर रूट 2। अब इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पर, यहां पर इस पॉइंट पर वेक्टर यूज हुआ, ये वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही है। यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज हुआ, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके जस्ट पहले एक चैप्टर पढ़ाया था डिटेल में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े किए, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन यूज हुआ, यहां पे वेक्टर यूज हुआ, दोनों को मिला करके प्रोजेक्टाइल बना, क्लियर। अगला देखिए जरा, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड स्ट्राइक्स ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड स्पीड विद विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड। सेम क्वेश्चन है, 100% सेम क्वेश्चन है। यहां से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका गया और वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से यहां पर आकर के गिरा। आपसे कह रहे 3 सेकंड में वो नीचे पहुंच गया। पिछले वाले क्वेश्चन में बोलो टाइम निकालना था, इस बार टाइम हमको गिवन है और टाइम है 3 सेकंड्स, 3 सेकंड में नीचे गिरा। ये भी बोला गया कि जब वो यहां पर गिरा है ऑब्जेक्ट, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, और वो वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पर गिरा है विद हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल कितना हुआ बेटा, 45। फाइंड हाइट ऑफ द टावर, तो हमें टावर की बेटा हाइट चाहिए, एंड स्पीड विद विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड, यानी किस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है। दो चीजें चाहिए और कह रहे हैं जी की वैल्यू 9.8 ले लेना। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। अब फिर से सोचो करोगे कैसे इसको, 3 सेकंड का अगर टाइम लगा है नीचे पहुंचने में, तो क्या मैं ये एच निकाल सकता हूं, कैसे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, माइनस लें कितना लें, इस बार जैसा कहिए आप लोग, पिछली बार माइनस क्यों लिया था, क्योंकि नीचे जा रहा था, हालांकि इस बार भी जा रहा, तुम्हारा मन हो ले हो, नहीं मन हो तो ना ले हो। अगर माइनस यहां ले लिया तो फिर पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो निगेटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल माइनस एच अगर मैं लिख रहा हूं तो एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना होगा, 0। पिछले वाले में भी याद करो यू कितना था, 0, ठीक। तो क्या ये -1/2, जी की वैल्यू कितनी बोली क्वेश्चन में, 9.8 ले लो, और टाइम कितना बोला, 3 ले लो, तो क्या हाइट की वैल्यू आ गई 4.9 × 9। बोलो यार ये कितना आएगा, कितना आएगा, 44.1 मीटर। टावर की हाइट आ गई, इतना ऊंचाई पर टावर है, ठीक। दूसरी चीज हमसे कह रहे हैं स्पीड बताओ जरा,
किस स्पीड से यहां पे नीचे गिर रहा है। अगर ये एंगल 45 है, इसका मतलब बेटा एक कंपोनेंट यहां होगा वी एक्स और एक कंपोनेंट यहां भी होगा वी, पक्की बात है, बोलो यार। अगर ये एंगल 45 है तो क्या यहां पर हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर tan है, tan थीटा होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस थीटा के लिए बोलो परपेंडिकुलर इधर होगा यानी वी वाई, और बेस कितना होगा वी वाई अपॉन, क्या ये समझ में आया। tan 45 होता है 1, ठीक, सो वी वाई अपॉन वी एक्स इज 1, इसका मतलब बेटा वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स, और बोलो वी एक्स वही होगा जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। बोलो, सोचो यार, दिमाग चलाओ। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी u, क्या पूरे मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा हुआ है यहां पर, यूनिफॉर्म है ना, तो इसका मतलब अगर ये u है तो ये भी This will be you. Clear? तो बस अब आपको यही निकालना है कि आखिर ये वी वाई कितना होगा या वी एक्स कितना, कोई भी एक निकाल दो। देखो वी एक्स निकालना यही तो हमारा क्वेश्चन है, तो हम लोग एक काम करते हैं वी वाई को निकालने की कोशिश करते हैं, और वी वाई को अभी हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में भी निकाला था यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वही इक्वेशन ऑफ मोशन में फिर से लगाने चल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। Vy का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक, थीटा तो जीरो है तो वो यू साइन जीरो हो जाएगा पूरा, माइनस जी और टी कितना है थ्री, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की आ गई क्या, माइनस कितना होगा, माइनस मतलब नीचे की तरफ, तो बेटा जो वेलोसिटी है ये 29.4, क्या वही वेलोसिटी ये भी है, तो हमारा आंसर आ गया भाई। हमसे यही तो पूछा गया था क्या, फाइंड हाइट ऑफ द टावर निकाल चुके एंड स्पीड विद विच बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड, सो द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या ये समझ में आया। देखो पढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो चीजों को इजी कर दिया जाए, एकदम इजी कर दिया जाए कि आपको सीधे सीधे थ्योरी पढ़ाया, डेरिवेशन पढ़ाया, एक दो क्वेश्चन करा दिए, तीन क्वेश्चन, काम खत्म कर दिया, जैसा स्कूल्स में चलता है, ठीक। दूसरा तरीका होता है जब हम लोग इन डेप्थ घुसते हैं हर चीज के, लेकिन इन डेप्थ घुसने का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज आज आपको पढ़ाई गई तो आप उसको घर पे जाके आज ही रिवाइज कर लीजिए, वरना अगली क्लास में जब इस तरह की चीजें आएंगी तो तोते उड़ेंगे, वही हो रहा है। बोलो यार, ये बीच में दो तीन दिन का गैप हो गया, फुल मौज में आप लोग हो गए ना। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन when it is directly above the target at a height of 1000 meter. ये मान लो कोई टारगेट था, यहां पे कोई बिल्डिंग विल्डिंग कुछ अपना बना हुआ है, ठीक, बढ़िया, कुछ लोग हैं अंदर इसमें बैठे, इसके ऊपर बम गिराना है, और इस तरह का एरोप्लेन है कि मछली लग रही है ना, एरोप्लेन का हम बोलो ड्रोन लग रहा है, तो ये पाकिस्तानी जहाज है ना, पाकिस्तानी जहाज है, और ऐसी जाहिलों वाली हरकत वही लोग करते हैं, तो ये एक बॉम्ब गिराने की कोशिश कर रहे थे, और देखो कितना दिमाग है इनके पास। A bomb is dropped from aeroplane when it is directly above the target. यहीं पे गिराना था, जब इसकी खोपड़ी पहुंच गए तब ये बम गिराएंगे,
दिमाग देखिए आप इनके पास कितना ज्यादा है। यहां जब पहुंच गए तब इन्होंने कहा अरे नीचे ये तो गया ना, यहां छोड़ो। अब इन्होंने यहां से बम डाल दिया, छोड़ दिया बम। भाई साहब यहां से अब चलना शुरू कर रहा है, ठीक। द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन 500 मीटर पर आवर की स्पीड से, खूब फास्ट एरोप्लेन ऑब्वियस है, तेज चल रहा है, ठीक। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर ऊपर जो खुदे थे भाई, हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट। भाई ऑब्वियस है, जब तुमने देखा कि यार यही तो गिराना था, उसको खोपड़ी पे खड़े हो गए तुम यहां से गिरा रहे हो, तो ऊपर से नीचे तक पहुंचने में बम को कुछ समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, एकदम यहां से गायब होगा सीधे उसके घर में जाके एकदम बड़ूम सदो ना, उसको कुछ टाइम लगेगा ऊपर से नीचे तक आने में, ठीक। और उस टाइम में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट से डिटैच होता है, चलते हुई बस से अगर कोई उतरता है तो मैंने कहा था वो भी बस की डायरेक्शन में भागने लगता है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर कोई डिटैच होता है तो अलग होने वाले ऑब्जेक्ट के पास स्पीड वही होती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट की थी। तो बोलो इस बम को जब यहां से इन्होंने गिराया होगा, जब वो बम मान लो इस जगह पर है, तो उसके पास भी हॉरिजॉन्टल स्पीड है कितनी, और अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। बोलो यार, तो ये बॉम्ब फाइनली यहां नहीं गिरेगा, वो यहां गिरेगा। ऐसी हरकत वही लोग कर सकते हैं, है ना। अगर तुमको यहां पे बम गिराना था तो जब तुम्हारा प्लेन यहां था ना तभी गिरा देना था, यहीं पे गिरा देते तब वो फाइनली ऐसे गिरता और इसको उड़ा देता। जो काम किसने किया था, बराक ओबामा ने, पता है आप लोग को, बराक ओबामा ने सीधे ओसामा बिन लादेन, एक आतंकवादी था जो कि पाकिस्तान में आराम से, सब तो वहीं रहते हैं, उन्हीं का घर है वो, तो आराम से वो पाकिस्तान में बढ़िया चौकस रहता था। तो बराक ओबामा जो थे वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, और ये वो 26/11 वाला इन्होंने काम किया था वहां पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था उसमें ये अपना जाके रंगबाजी दिखा के आए थे। उस समय तो ये बच गए भाई, वो अमेरिका था अपना, वो लोग सदमे में आ गए, ऐसा कैसे हो गया। उस समय तो ये बच के भाग के चले आए, फिर उसने वहीं से बैठे बैठे मिसाइल सीधे दागी थी, वहीं पाकिस्तान में उनको वहीं पूरा घर समेत सब उड़ा दिया था, उनका काम खत्म। पाकिस्तान देखता रह गया, सफाई देता रह गया। अरे वो पाकिस्तान, मतलब भाई पाकिस्तान का तो हमेशा का ये रहा है कि पहले आतंकवादियों को अपने पास रखो, बाद में कुछ हो तो कहे तो हमको पता ही नहीं था, ये हमारा तो है ही नहीं। तुमका यही हुआ, बराक ओबामा को पता रहा होगा कि ये रहता तो वहीं पे, सभी को पता, पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का केंद्र कौन है, पाकिस्तान, सबको पता है। तो अपना वो अमेरिका वालों ने सीधे गिराया, लेकिन उन लोगों ने दिमाग से गिराया, हाँ पढ़े लिखे लोग थे, क्या नहीं गिराया था, नहीं उनका कॉन्सेप्ट क्या था, वहीं से पूरा ऑब्जर्वेशन चल रहा था और मिसाइल से ही दागा था। अब आज हम लोग उस चीज पे रिसर्च करेंगे आफ्टर क्लास, ठीक है, इसी पे मैं यूट्यूब बोलूंगा, है एंड वी विल ऑब्जर्व, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, उस समय मैं था छोटा ही था खैर, लेकिन मुझे ये चीज ध्यान आ रही है कि उन्होंने घर में घुस के तो वो मिसाइल से ही शायद मारा था, पता करेंगे इस चीज को एक बार हम लोग फिर से। फिलहाल अगर वो मिसाइल दागी और वहीं जगह पर गिरी, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर गिराया वो और उसी जगह पर गिरा, तो उन्होंने भी कुछ दिमाग लगाया होगा, और दिमाग यही है कि आप एकदम खोपड़ी पे पहुंचने के बाद गिराएंगे तो वो आगे जाकर गिरेगा, अगर यहां गिराना था तो जब एरोप्लेन यहां था उसी समय आप गिरा देते, ठीक। तो इस जगह पर अब आप ऑब्जर्व करो भाई, हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट, यानी कि आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, टारगेट ये था, इसको उड़ाना था और आपका बम यहां पे गिरा तो अब यहां उड़ाएगा जो भी होगा, तो इसका मतलब अपने को ये चाहिए, और ये जो डिस्टेंस है क्या यही रेंज है भाई, इस प्रोजेक्टाइल का यही रेंज है। बताओ बेटा अब ये कैसे निकलेगा, लगाओ सेम क्वेश्चन है इसके पहले वाला, ये इसके पहले क्या था, टावर से फेंका था, इस बार टावर से नहीं फेंका यार, इस बार ऊपर से गिराया है, तो वही चीज, अभी भी वही हाइट है 1000 मीटर। बताओ इस 1000 मीटर का क्या किया जाए,
दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, निगेटिव होगा, दैट शुड बी इक्वल टू यू टी प्लस यू, कितना है माइनस जी, जी कितना लिया जाए, 10 ले लेते हैं, चलो जी टी स्क्वायर। तो जरा चेक करिए, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये कैंसिल करेगा 5 आएगा, 5 इसको कैंसिल करेगा 200 आएगा, तो 200 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी बच्चों कितना होगा, अंडर रूट 200 सेकेंड्स। क्या इसको सिंप्लीफाई कर ले तो रूट टू कितना होता है, 1.414, है ना, तो 14.14 सेकेंड्स इतना टाइम बोलो लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन हमसे टाइम नहीं पूछा, हमसे तो डिस्टेंस पूछा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दैट विल बी सिंपल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है सो दैट शुड बी स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। स्पीड है बेटा 500 किलोमीटर पर आर। इस किलोमीटर पर आर को बोलो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना आएगा भाई, 5/, ये चीज पता है ना, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 14.14। इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स डिस्टेंस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, पक्की बात है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखो, अ मार्क्समैन विशेस टू हिट अ टारगेट जस्ट इन सेम लेवल एज द लाइन ऑफ साइट, हाउ हाई फ्रॉम द टारगेट ही शुड एम इफ द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट इज 1600 मीटर एंड मजल वेलोसिटी ऑफ द गन इज 800 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पर एक कोई मान लो शिकारी है, ठीक, इनके हाथ में एक बढ़िया कोई राइफल है, है? इनकी खोपड़ी में हमें तो लग रही है हाथ में तो लगी नहीं रही है यार, ऐसा लग रहा है इनकी खोपड़ी में रखी है, है? ये इन्होंने मान लो एक गन वन पकड़ा है अपने हाथ से, ठीक, और यहां पर टारगेट है कोई चिड़िया या कुछ कुछ ऐसा टारगेट रहा होगा। मसल वेलोसिटी का मतलब बेटा इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है बुलेट की वो कितनी है, 800 मीटर पर सेकेंड, और कितनी डिस्टेंस पर टारगेट है, 1600 मीटर। क्या ये बात समझ में आई, 1600 मीटर की डिस्टेंस पर कोई टारगेट हमने देखा और हमने यहां से राइफल लेकर के एक फायर किया और वो 800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट निकली है। हमसे कहा जा रहा है हाउ हाई फ्रॉम द टारगेट ही शुड एम, टारगेट से कितना ऊपर इनको एम करना चाहिए। अब एक चीज बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से गिर रहा है या ऑब्जेक्ट हम कह रहे हैं ना गिर रहा हो, ये बुलेट अगर हम यहां से फायर करेंगे तो बुलेट ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट जाएगी, बुलेट को अर्थ भी तो अपनी तरफ खींच रही होगी, तो इस बुलेट का जो मोशन होगा दैट मोशन विल बी लाइक दिस। नहीं समझ आई बात, अगर हम लोग मान लो यहां से एकदम सामने सब खाली, एकदम दूर दूर तक एकदम खाली है, एकदम प्लेन ग्राउंड है, और यहां पर आपको एक राइफल दिया जाए, अब यहां से आप एक फायर करो, तो क्या वो बुलेट एकदम सीधे एकदम सीधे एकदम सीधे ऐसे चलती चली जाएगी, एकदम सीधे जाएगी कि कभी नीचे गिरेगी, गिरेगी ना। होता यह है कि हमारे सामने इतनी फास्ट स्पीड से जाती है कि हमको स्ट्रेट लगता है, लेकिन स्ट्रेट पाथ होता नहीं है। अगर एक खुले ग्राउंड में आप ऐसे फायर करो तो ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे 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 नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और एक समय पर अर्थ में जाकर के वो धस जाएगी बुलेट। तो वो मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब जब आप इसको ऐसे फायर करेंगे तो ये फाइनली यहां कहीं पहुंचेगा, तुमको यहां पर रखा ऑब्जेक्ट गिराना था, बुलेट तुम्हारी यहां पहुंच रही है, इसका मतलब आपको इतना ही ऊपर निशाना लगाना था। बोलो यार, अगर बुलेट यहां पहुंचेगी तो बुलेट एच हाइट नीचे पहुंची, बोलो, और यही एच हाइट ऊपर अगर तुमने निशाना लगाया होता तो एकदम करेक्ट निशाना लगता है यहां पर।
क्या ये बात समझ में आई? और यही होता है जो शूटर होते हैं ना, जो मूवीज में दिखाते हैं कि इधर से कोई बोतल फेंका, उधर से किसी ने गोली मारी, वो फट गई बोतल, तो वहां पर यही कॉन्सेप्ट लगता है। जितने टाइम में वो बोतल जितना नीचे आएगी उतना अंदाजा उसका पहले से होता है, तो उतने ही नीचे पे ही मारता है। तो जितने टाइम में बोतल वहां पहुंची उतने में ही बुलेट पहुंची और बुलेट ने उसको फोड़ दिया। तो वो चीज में प्योर साइंस है, प्योर प्रैक्टिस वाला खेल है। तो यहां पर भी वही हुआ, अगर मैं सीधे यहां निशाना साध के मारूंगा तो बुलेट यहां पहुंचेगी और वो फल या जो भी है, चिड़िया जो जो भी है, वो गिरेगा नहीं। ठीक, इसका मतलब आपको थोड़ा ऊपर यहां पर निशाना साधना चाहिए था। जब आप यहां पर एम करोगे तब वो ऐसे ही नीचे गिरते गिरते यहां पहुंचे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि हाउ हाई द टारगेट, हाउ हाई फ्रॉम द टारगेट शुड ही एम, उसको टारगेट से कितना ऊपर एम करना चाहिए। तो जितना वो नीचे गिरने वाला है उतना ही ऊपर अगर कर देता तो गिरने के बाद यहीं पहुंचता। सही है? मतलब अपने को क्या निकालना है? एच, अपने को ये हाइट निकालनी है एच। अगर ये 1600 मीटर है और ये 800 मीटर इसकी स्पीड है, कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में? 2 सेकेंड। सही है? 2 सेकेंड में ही कितना नीचे आ जाएगा, बस यही निकाल लो। बोलो यार, 2 सेकेंड में कितना नीचे आ जाएगा, बस यही निकाल लो। तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस जी, कितना है 9.8, और टाइम कितना है 2 सेकेंड। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा 19.6 मीटर्स। मतलब जब आप यहां से फायर करोगे तो ऊपर से कितना नीचे ये आएगा, 19.6 मीटर। तो आपको कितना ऊपर टारगेट करना था, 19.6 मीटर। क्या ये बात कुछ समझ में आई? कितने लोगों को प्योर बाउंस हो रहा है आज, जिनको 100% बाउंस हो रहा हो, 70-80% तो हो ही रहा होगा। क्या भाई है ठाकुर साहब? अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। दो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, ठीक, एक बिल्डिंग यहां पर है और एक बिल्डिंग यहां पर। ये जो है वो ग्राउंड है। विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट अ बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो ऑफ 55 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग। तो इस पहली वाली बिल्डिंग में नीचे से 55 मीटर की ऊंचाई पर एक विंडो रहा होगा, उसके घर में यहां कहीं सेकंड थर्ड फ्लोर पे बिल्डिंग में खिड़की रही होगी। सो दैट इट एंटर्स द विंडो 10.9 मीटर अबव द ग्राउंड इन सेकंड बिल्डिंग। यहां कहीं पर 10.9 मीटर के हाइट पर एक खिड़की और है। इधर से एक बॉल को फेंका गया है, बॉल यहां से एक बॉल को फेंका गया है, थ्रोन हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे फेंका गया है बॉल को। बॉल को ऐसे फेंकोगे तो बॉल प्रोजेक्टाइल पाथ पर गिरेगी, तो बॉल इनके विंडो से फेंका गया और वो इनके विंडो में जाकर गिरी, विंडो फूटी। यही काम है यहां पर, हमसे कहा जा रहा है विद व्हाट वेलोसिटी द बॉल मस्ट बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली, किस वेलोसिटी से बॉल को हम फेंकें कि वो इनकी विंडो में जो कि इस साइड पर है यहां पर जाकर अंदर उनके बिल्डिंग में चली जाए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? और तो कुछ गिवन नहीं है, 55 मीटर अबव ये भी हो गया। अच्छा, 180 मीटर, दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अब तो और आसान हो गया भाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो वो कवर करने वाला है, बोलो अपने को पता है? अगर इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मैं फॉर्मूला आपसे पूछूं तो क्या बनेगा? 180 मीटर इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है u, और टाइम कितना लगा
ये हमको पता नहीं है, सही है। अगर टाइम मिल जाए तो यू आ जाएगा, बोलो यार, टाइम मिल जाए तो यू आ जाएगा। टाइम कैसे मिलेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में लग सकती है? वाई में। एक्स डायरेक्शन में तो यही लगना था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, हमने लगा दिया, बस काम खत्म। अब सिर्फ वाई डायरेक्शन में बचा ना, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट बेटा इसने ट्रेवल किया है बताओ? 55 माइनस, क्या ये बात समझ में आई? 10.9, ये डिस्प्लेसमेंट है। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। u कितना है? u मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। क्या y डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी है? सो दैट इज जीरो, तो वो तो जीरो हो गया। ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना है नहीं कि मैंने, चलो 9.8 ले लेते हैं, इंटू टी स्क्वायर। क्या सेकंड इक्वेशन से टाइम मिलेगा और उसको पहले में रख देंगे तो यू मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? चलिए आज इतना ही रखते हैं।